Hello my dear students, have a nice day for you. This is the your first chapter of your SST book. As per the title, what, where, how and when. चैप्टर के इस टाइटल के अकॉर्डिंग हमने इस चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा कि हिस्ट्री एक्चुअल में क्या है. उसका इंट्रोडक्शन जो था वो हमने अच्छे से समझने की भरपूर कोशिश की, और साथ में ही इसका एक टॉपिक था व्हाई स्टडी इट, कि हिस्ट्री की हम स्टडी क्यों करें. इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझने के बाद में आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं इस फेज टू में, उस टॉपिक में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि कैसे हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, कौन से ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से हिस्ट्री डेवलप्ड हुई, और उसमें स्पेशली हम फोकस करेंगे हमारे इंडिया के जो जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड आप भी कंसंट्रेशन करें हिस्ट्री के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन वाले चैप्टर में, कि कैसे इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हेल्प करता है या हेल्प की है उसने हमारी हिस्ट्री को एक बहुत बड़ी या विशाल, जिसको हम बोल सकते हैं, हिस्ट्री बनाने में. सो लेट्स कम विथ मी एंड स्टार्ट दिस टॉपिक. क्या कहा गया यहाँ, टू सम इट अप, हिस्ट्री टेल अस हाउ वी कम टू बी आवर प्रेजेंट स्टेट. कि अगर इन सब चीज़ों को हम देखें, जैसे हमने हिस्ट्री की स्टडी की, हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया, हिस्ट्री को हमने इसको भी स्टडी किया कि क्यों हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों को अगर हम मेमोराइज करें तो यहाँ इसमें बताया हिस्ट्री टेल अस, हिस्ट्री में बताती है हाउ वी कम टू आवर प्रेजेंट, कि आज जो वर्तमान स्थिति हमारे सामने है वो कैसे है, ये किस कारणों से है, किस तरह से है. दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, और जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है, वो हमें किस चीज़ को समझने में या किस चीज़ को समझाने में मदद करता है, आवर सेल्फ, अपने आप को, खुद को, आवर सोसाइटी, हमारे समाज को समझने में या समझाने में, अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है, एंड ऑल्सो सराउंडिंग बेटर, और हमारे आसपास का जो परिवेश है, आसपास का जो एरिया है, उन सब एरियों को या उन सब परिवेश को समझने में, समझाने में हिस्ट्री हमारी बहुत हेल्प करती है. नोइंग आवर पास्ट इनेबल टू अस फेस एंड शेप आवर फ्यूचर विथ मोर विजडम एंड इंसाइट. क्या कहा इसने, नोइंग आवर पास्ट इनेबल, कि अगर हम हमारा इतिहास जान लेंगे, हम हमारा पास्ट जान लेंगे, हम पहले कैसे थे, कितना हमें डेवलपमेंट हुआ, इस चीज़ को समझ लेंगे तो हम इनेबल, सक्षम हो जाएंगे किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगे, फेस एंड शेप आवर फ्यूचर, हम हमारे फ्यूचर को कैसा बनाने में, अच्छा बनाने में या अच्छा बनाने के लिए हम राइट डिसीजन ले पाएंगे, अच्छा उसे बना पाएंगे, विथ मोर विजडम एंड इंसाइट, बहुत ही अच्छी बुद्धिमत्ता, और एक तरह से इंसाइट बोल सकते हैं कि परिदृश्य, जिसको कि अच्छा सोच करके, अच्छा विचार करके, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि पास्ट में हमसे क्या मिस्टेक्स हुई थी, तो हिस्ट्री क्या करती है, हमारे फ्यूचर को अच्छी शेप और अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए भी हमारी मदद करती है. हेरोडोटस की बात करते हैं, हेरोडोटस कहते हैं ग्रीक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार थे, फ्रॉम 5th century BC इज नोइंग एज अ फादर ऑफ हिस्ट्री. ये बहुत ही अच्छा एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि हेरोडोटस जो थे उनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री का नाम भी देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक आज का था वो क्या था, जो मैंने अभी थोड़ा सा क्लियर किया कि जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स है वो इंडिया के अंदर हिस्ट्री को किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, हम उस पर आज बात करेंगे. हाउ जियोग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्ट्री, कि जियोग्राफिकल जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस का मतलब एक तरह से जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जियोग्राफिकल जो फीचर्स हैं, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं. इन्फ्लुएंस को देखो, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि मैंने जिस वर्ड को अंडरलाइन किया है मैं उसका आपको मीनिंग भी क्लियर करने वाला हूँ. तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, कि कैसे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर इंडिया की हिस्ट्री को प्रभावित करते हैं. देखते हैं द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए रीजन, तो हम बात करते हैं द फिजिकल फीचर्स ऑफ रीजन कैन ग्रेटली शेप एंड लाइव्स ऑफ पीपल, कि फिजिकल फीचर्स जो है उस एरिए के वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उस एरिए के लोगों को एक स्ट्रक्चर में डालने के लिए, एक नए लाइफ स्टाइल को
एडॉप्ट करने में, दे कैन अफेक्ट द फूड ऑफ पीपल, वहाँ के एरिए में या वहाँ के रहने वाले लोगों के जो ईटिंग स्टाइल है, खाना है, उसके इफेक्टिव होता है। काइंड ऑफ हाउस, वहाँ के लोग घर कैसा बनाते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर एंड ट्रेड एंड कैरी ऑन, किस तरह का व्यापार करते हैं। एंड ऑल्सो वे दे डिफेंड देयर टेरिटरी, और अपने क्षेत्र की रक्षा कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड रहती है वहाँ के फिजिकल स्ट्रक्चर पर। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बर्फीले इलाकों में रहता है तो बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों का खाना अलग, उनका रहना जो घर होते हैं वो अलग, उनका पहनावा अलग, उनका रहन सहन अलग, और किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें अलग। कंपैरिजन टू हॉट पैलेस कि एक गर्म जगह पर रहने वाले लोगों का खाना उन लोगों से अलग, उनका पहनावा उन लोगों से अलग, उनके रहन सहन जो हैं लाइफ स्टाइल वो भी उन लोगों से अलग, और यहाँ तक कि उनके घर जो हैं वो भी उन लोगों से अलग। तो इन्होंने भी यहाँ पर उसी चीज़ को डिफाइन किया कि किस तरह से हिस्ट्री में जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो उनके लोगों के जो रहन सहन है खाने पीने को इफेक्टिव करता है। फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ लैंड, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन इफेक्ट ह्यूमन लिव्स लाइवलीहुड एंड हैबिटेशन कि इसमें क्या है फैक्टर्स ऑफ सच टाइप, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स की बात की जा रही है। कौन से ऐसे फैक्टर्स, वहाँ की अवेलेबिलिटी, ज़मीन की अवेलेबिलिटी, वहाँ के पानी की अवेलेबिलिटी, वहाँ की जगह की अवेलेबिलिटी, क्लाइमेटिकल कंडीशन, ये सारे के सारे वहाँ इंसानी जीवन ह्यूमन लाइव्स, उनके रहन सहन, उनका रह जो हैबिटेशन, जो वहाँ के रहने वाले जो वासी हैं, दिनचर्या हैं उनकी, उनको इफेक्टिव करते हैं। अर्ली सेटलर्स इन इंडिया, पहले के जो लोग इंडिया में आए उनकी बात करते हैं। द रीजन्स अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडिया कि पहले के जो लोग इंडिया में आए वो कहाँ रह रहे थे उनकी बात करते हैं। द रीजन अलोंग विद द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के पास में रहे, वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इनहेबिटेड लैंड इन द इंडिया कि सबसे पहले जो शहरवासी रहने वाले जो इंडिया में आए थे, यहाँ पर बसने वाले जो लोग थे, वह कहाँ, नर्मदा रिवर के पास में रहना उन्होंने शुरू किया था। द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का मतलब होता है रहने वाले वासी, यहाँ पर बसने वाले जो लोग थे। ऑफ दिस एरिया वर स्किल्ड गैदर एंड हंटर्स, ये लोग कैसे थे, स्किल गैदर का मतलब कुशल कारीगर मान सकते हैं, एक तरह से कौशल इनमें बहुत अच्छा था, नई नई स्किल्स, नए नए काम कर सकते थे। एंड हंटर्स शिकारी थे, हु वॉज डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द फॉरेस्ट, इनको जंगलों के बारे में अच्छी जानकारी थी। एंड प्लांट्स दैट ग्रू अराउंड देम, और आसपास में उगने वाले जो प्लांट्स थे उनके बारे में भी इनको अच्छा नॉलेज था। The first people to grow crops inhabitant region in the Sulaiman and Kirthar hills in the northern western India कि सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, ग्रो किया क्रॉप्स को, फसलों को उगाया। यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे इन्हीं लोगों ने फसलों को उगाया, इन्होंने पेड़ पौधों को खुद उगाना शुरू किया। और कहाँ उगाया सबसे पहले, सुलेमान और किरथार की जो पहाड़ियाँ थी उन पहाड़ियों में यहाँ के रहने वाले लोगों ने उगाया था। लेकिन किसको उगाया, देखो, दे ग्रू क्रॉप्स लाइक वीट एंड बर्ली अबाउट 8000 ईयर्स एगो, 8000 साल पहले किरथार और सुलेमान की पहाड़ियों में रहने वाले जो बसने वाले जो लोग थे उन लोगों ने यहाँ पर गेहूं और जौ को उगाया था। दे ऑल्सो रेयर्ड एनिमल, और इन्होंने जानवरों को भी चराया था, लाइक शिप गॉट एंड कैटल, इन्होंने भेड़ बकरी और बाकी जो मवेशी थे उन जानवरों को भी इन्होंने चराया था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया कि सबसे पहले जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग लोगों ने रहना कैसे शुरू किया, और फिर वहाँ पर ऑक्यूपेशन, जानवरों को चराना कैसे उन्होंने शुरू किया। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखो, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस हिस्ट्री की, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसे हिस्ट्री के अंदर हमारे कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कितना डेवलपमेंट ले जाता है। लाइकवाइज द गारो हिल्स सा एग्रीकल्चर बींग प्रैक्टिस्ड वाइडली, और गारो हिल्स की पहाड़ियों के अंदर भी खेती को, एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से बढ़ते हुए देखा गया। द वास्ट रीजन अलोंग द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सा द राइज द फर्स्ट सिटी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वास्ट रीजन, और बहुत ही ज़्यादा विस्तार फैला हुआ एरिया, कौन सा, इंडस जो रिवर है, सरस्वती जो रिवर थी उसके पास में, और इसके सहायक जो ट्रिब्यूटरीज जो रिवर थी उनके आसपास के अंदर ही सबसे पहले सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो एक तरह से मान सकते हैं सिटी, शहरों को वहाँ पर बढ़ते हुए देखा गया। वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहने लग गए, जबकि
लार्ज सिटीज फ्लोरिस्ट इन द गंगा वैली अबाउट 2500 ईयर्स एगो, जबकि गंगा वैली वाला जो एरिया है, गंगा घाट वाला जो एरिया है, उस एरिया में 2500 साल पहले भी लोगों को बसता हुआ देखा गया था। तो ये जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से कि जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहना स्टार्ट करेंगे। उसका भी रीजन इसमें बताएगा कि क्यों रहना स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर अच्छे से आने जाने का मतलब पानी के रास्ते से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। पानी है इसका मतलब सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, पेड़ पौधों से उनको खाना भी मिल जाएगा, रहने के लिए उनको जंगल वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये एक डिपेंडेंसी थी कि पानी अगर है तो वहाँ पर इतने सारे जो अवेलेबिलिटी सोर्सेज है उनको आराम से मिल जाएंगे। इन जनरल पीपल प्रिफर लिविंग इन फेवरेबल एनवायरनमेंट, कि जनरली जो लोग क्या करते थे अपने एनवायरनमेंट या अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर या फेवरेबल कंडीशन में रखना पसंद करते थे। इन इंडिया ह्यूमंस फर्स्ट सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ द थ्री बिग रिवर्स, तीन जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी उनके किनारों पर लोगों ने रहना शुरू किया। जिन रिवर्स की यहाँ पर बात की जा रही है जहाँ पर ह्यूमंस पहले सेटल्ड हुए थे, उनमें सबसे पहले द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स यहाँ पर थी, इनके आसपास में लोगों ने रहना शुरू किया। पावरफुल किंगडम्स लाइक मौर्य, द गुप्ता एंड मुगल, पावरफुल किंगडम्स उस समय बढ़ते हुए जो साम्राज्य थे, सम्राट थे, उनकी बात की जा रही है जिसमें मौर्य सम्राट थे, गुप्त सम्राट थे और मुगल। फ्लोरिस्ट इन द इंडो गंगेटिक प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन भारतीय जो गंगा वाला जो एरिया था, भारतीय इंडो गंगेटिक जो प्लेन था उस एरिए में इन्होंने अपने साम्राज्य को फ्लोरिस्ट किया, अपने साम्राज्य को वहाँ पर फैलाया था। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्या कारण था इनका कि इस जगह इंडो गंगेटिक प्लेन की जगह इनको आकर के अपने साम्राज्य को फैलाना पड़ा, वही रीजन था यहाँ पर इन लोगों का कि इन जो अर्ली सेटलर्स जो इंडिया वाले थे ना, ये पानी वाले एरिया के पास में ही क्यों जा रहे थे, रिवर्स या वैली वाले एरिया के पास में ही क्यों जा रहे थे, वही रीजन था इनके पास में। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की अवेलेबिलिटी क्या करती है, बहुत सारे सोर्सेज या बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़ को एक तरह से ईजी बनाती है। जैसे यहाँ पर बताया फर्टाइल लैंड, कि अगर पानी है, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो वहाँ की ज़मीन कैसी होगी, फर्टाइल होगी, इसका मतलब वहाँ पर अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। गुड क्लाइमेट, वहाँ पर क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छी होगी। फिर इसने बताया ना वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी ना वहाँ ज़्यादा सर्दी होगी अगर वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो। फिर प्लेंटीफुल वाटर, प्लेंटीफुल को मतलब बताया गया भरपूर या पर्याप्त, प्लेंटीफुल वाटर की पानी कोई किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, ईजी ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स और रिवर्स के जरिए आराम से आ जा भी सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से जो अर्ली सेटलर्स जो थे, जिसके अंदर से कुछ सम्राट या कुछ साम्राज्य को भी यहाँ पर हमने बताया, चोल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, वो भी लोग और साथ में अर्ली ह्यूमन जो थे वो लोग यहाँ पर रहना उन्होंने शुरू किया, पानी के पास में रहने का उनका ये मेन रीजन था। द हिमालय रेंजेस इन नॉर्थ सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस। क्या कहा इसने, हिमालय रेंज अभी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसका नंबर दो मान सकते हैं, नेक्स्ट जो हिमालय जो रीजन है, जो नेक्स्ट जो फिजिकल फीचर या जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी मान सकते हैं। पहले था इसमें वाटर वाला कि पानी की अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पर हिमालय रीजन की बात की जा रही है, पहाड़ी इलाके की बात की जा रही है जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में ही आता है। कि हिमालय जो रेंज है इन द नॉर्थ, जो उत्तर में क्या करती है, सेपरेट अलग करती है इंडिया को किससे, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से इसको अलग करती है। अलग करने के साथ में और क्या इसकी फ़ायदे हैं, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोल्ड विंड्स, ये इधर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं से इंडिया को बचाती है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन इन्वेशन, और बाहरी आक्रमणों से भी इसको बचाती है। तो हिमालय रेंज को एज ए बॉर्डर मान सकते हैं हम, कि बॉर्डर की तरह ये काम करती है, ठंडी हवाओं से भी हमारी प्रोटेक्ट करती है और साथ में ही किससे, जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे भी हमारी बचाव करती है। आक्रमण जो इन्वेशंस का मतलब होता है आक्रमण, कि बाहरी आक्रमण जो है ना उनसे, फॉरेन इन्वेशन का मतलब बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। सो एट द सेम टाइम, इसी के चलते हम बात कर सकते हैं, इसी एरिया में ए नंबर ऑफ माउंटेन पासेज, हिमालय रेंजेस की बात की जाए तो माउंटेन भी है और पासेज का मतलब यहाँ है दर्राए, ये एक तरह से मान सकते हैं घाटियाँ जिनसे आने जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। इन नॉर्थन वेस्टर्न हिमालय अलाउड सम इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मतलब आक्रमणकारी,
टू क्रॉस द इंडिया। मैंने कहा ना हिमालय माउंटेन की बात की जा रही थी, यहाँ पर पासेज की बात की जा रही है। पासेज का मतलब छोटी छोटी गुफाएं दर्राएं जिनसे आ जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि फॉरेन इन्वेशन बाहरी आक्रमणों से थी हिमालय रेंज बताती है, जबकि यहाँ पर इसमें बताया कि सेम ऐसे नंबर ऑफ माउंटेन पासेज, बहुत सारी ऐसी माउंटेन पासेज, माउंटेन जो घाटियाँ हैं यहाँ पर हैं नॉर्थ एंड वेस्टर्न हिमालय में, जो क्या करती हैं इन्वेडर्स को, बाहरी आक्रमणकारी को इन्वाइट एक तरह से मान सकते हैं आने के लिए रास्ता बना देती हैं, या फिर यहाँ से लोग आ भी सकते हैं। मैनी ट्रेवलर्स, बहुत सारे जो ट्रेवलर्स हैं वो ट्रेडर्स ऑल्सो इंटर्स, बहुत सारे जो यात्री थे वो यहाँ आए, बहुत सारे जो व्यापारी थे वो यहाँ आए, इंटर द कंट्री थ्रू दीज पासेज, इसी रास्तों से, इन्हीं पासेज से होते हुए इंडिया में आए। इन ब्रिंगिंग, और अपने साथ में क्या लेके आए, अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान का आदान प्रदान करना, जिसको ट्रेड बोल सकते हैं। आइडियाज, बहुत सारे आइडियो को भी उन्होंने, मतलब बहुत सारे विचारों को भी यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया, विदेशों से यहाँ तक, और यहाँ के विचार विदेशों तक। एंड कल्चर, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के सामानों को भी उन्होंने एक्सचेंज किया, यहाँ के विचारों को भी एक्सचेंज किया, और यहाँ के कल्चर को भी एक्सचेंज किया। तो ये हमारे पास में जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर था हिमालय का। फिर बात करते हैं इन पेनिनसुलर इंडिया, समुद्री इलाके, कोस्ट लाइन एरिया की बात की जा रही है। इन द साउथ, साउथ एरिया में जो प्रायद्वीप इंडिया है उसकी बात की जा रही है। द कंट्रीज लॉन्ग कोस्ट लाइन अलाउड ट्रेड टू फ्लोराइज विद द फार ऑफ कंट्रीज लाइक इजिप्ट एंड रोम, कि यहाँ पर समुद्री इलाका जो साउथ में है उस एरिया की बात की जा रही है। उस कोस्ट लाइन ने, उस समुद्री एरिया ने क्या किया, अलाउड टू ट्रेड, उसने व्यापार को एक तरह से अलाउड किया, व्यापार को एक तरह से अनुमति दी कि वो क्या करे, फ्लोराइज्ड विद फार ऑफ कंट्रीज, व्यापारी जो लोग थे उनको दूर दूर देशों तक आराम से उनको आने जाने का रास्ता प्रोवाइड करवाया, या रास्ता बनाया किसने, साउथ जो एरिया था ना उसने, साउथ एरिया कौन सा, कोस्ट लाइन वाला एरिया, कोस्ट लाइन वाले एरिया से लोग दूर दूर देशों में गए और वहां पर अपना व्यापार किया। कौन कौन से देशों में, इजिप्ट और रोम में। फिर इसने कहा दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज, इस तरह से अपने विचारों का, अपने सामानों का जैसे आदान प्रदान हुआ, दूसरे देशों से यहाँ पर आए और यहाँ के देशों से वहाँ पर गए, एज ऑल्सो रिलीजियस, सामान के साथ साथ में विचार भी गए, विचारों के साथ साथ में धर्म का आदान प्रदान भी हुआ, फिर कल्चरल संस्कृति जो थी हमारी उनका भी यहाँ पर एक्सचेंज हुआ। ग्रेजुअली लेड टू डेवलपमेंट, और साथ में ही डेवलपमेंट भी हुआ, वहाँ की संस्कृति को यहाँ पर अपनाया गया, यहाँ की संस्कृति को वहाँ पर अपनाया गया, वहाँ के धर्मों को, यहाँ के धर्मों को आपस में एक्सचेंज किया गया, जिसे जिस धर्म के अंदर अच्छा लगा वो धर्म अपनाया गया, जिस तरह का व्यापार अच्छा लगा वो व्यापार अपनाया गया, नई नई सोच, नई नई विचारधारा का जन्म हुआ, और साथ में डेवलपमेंट हुआ नए नए सिविलाइजेशन बोल सकते हैं सभ्यताओं का। एंड ग्रोथ द टाउन्स एंड सिटीज़, और वो धीरे धीरे नए नए शहर और नए नए कस्बों में बदलते गए। विथ टाइम, समय के अनुसार दे डेवलप्ड इंटू लार्ज प्रोस्पेरस किंगडम, और धीरे धीरे जो छोटे छोटे सिटी और कस्बे थे वो समय अनुसार क्या करते गए, डेवलप्ड बढ़ते गए, कहाँ, लार्ज एंड प्रोस्पेरस किंगडम, बड़े बड़े समृद्ध जो साम्राज्य थे उनमें बदलते गए। लाइक जैसे इसको नाम दे रखे चौल एंड चेरा साम्राज्य का नाम इसने दिया। मैनी ऑफ दीज साउथर्न किंगडम्स, और बहुत सारे साउथर्न जो दक्षिणी वाले जो सम्राट थे उनकी बात करते हैं, हैड स्ट्रॉन्ग नेवी, उनके पास में कुशल नौसेना थी, अच्छी नौसेना थी, नाविक थे, एंड कॉलोनीज्ड पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया के और श्रीलंका के वो कॉलोनीज्ड पार्ट, एक तरह से उपनिवेश थे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में फेज़ टू में हम इतना ही लेते हैं, जिसमें आज हमने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर किया कि किस तरह से जियोग्राफिकल जो कंडीशन है वो हमारी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। और फिर हमने पढ़ा अर्ली सेटलर्स, कि पुराने वाले जो ये पहले वाले जो लोग थे वो कहाँ पर आकर के पहले सेटल्ड हुए, इनहेबिटेंट हुए, कहाँ पर आकर के वो बसने लगे, और फिर जियोग्राफिकल जो फीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री हमारी कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुई, कैसे प्रभावित हुई, उस चीज़ को हमने यहाँ पर आज स्टडी किया। आई थिंक एंड आई होप ये चैप्टर आपको जितना मैंने आज पढ़ाया अच्छे से समझ में आया है। If you have any type of confusion, just you comment me. आप किसी भी तरह के confusion के लिए मुझे comment कर सकते हैं, और आपको इस chapter को अच्छे से concentrately आपको इसको study करना है। आज के लिए इतना ही। Have a nice day to you, and once again, thank you so much.